सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेके है। जैसे जैसे इंडियन नेवी में नए सबमरीन्स को इंडक्ट किया जा रहा है, ठीक उसी हिसाब से उन सबमरीन्स के लिए टॉर्पेडोज को भी खरीदना जरूरी है, क्योंकि बिना टॉर्पेडोज और मिसाइल्स के सबमरीन कितना भी मॉडर्न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए अभी इमरजेंसी बेसिस पर लगभग 100 टॉर्पेडोज को खरीदने के लिए एक टेंडर को इशू किया गया था और प्लान के मुताबिक इनिशियली 100 टॉर्पेडोज को डायरेक्टली फॉरेन वेंडर से खरीद लिया जाएगा और बाद में मेक इन इंडिया के अंदर बल्क प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। जो टेंडर इशू किया गया था उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और रशिया पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अंत में सिर्फ फ्रांस और जर्मनी ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करने के लिए 17 जनवरी तक का डेडलाइन दिया गया था, जिसमें जर्मनी की अटलास इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्रेंच नेवल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रही है। पहले इंडियन नेवी की तरफ से ब्लैक सैक टॉर्पेडोज को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के बाद इसको कैंसिल करना पड़ा था। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2021 के दिसंबर तक इसरो अपनी पहली ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इसे लॉन्च करने से पहले इसरो दो अनमैन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करना चाहती है, जिसमें से एक दिसंबर 2020 में और दूसरा जून 2021 में लॉन्च किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही इसरो की तरफ से बताया गया था कि अनमैन मिशन में इसरो एक ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजने वाली है और अभी इसरो की तरफ से बताया गया है कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम व्योमामित्रा रखा गया है, जिसकी नाम को दो संस्कृत वर्ड को जोड़कर बनाया गया है, जिनमें से व्योम का मतलब स्पेस और मित्रा का नाम फ्रेंड है, यानी कि स्पेस फ्रेंड रखा गया है। रिसेंटली जब ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया तो व्योमामित्रा सबकी मेन अट्रैक्शन पॉइंट रही थी और इसे स्पेस में भेजने का मेन उद्देश्य ये है कि स्पेस कैप्सूल में जो भी सिस्टम मौजूद है उन सभी को इंसानों को नजर में रखकर डिजाइन किया गया है और व्योमामित्रा एक ह्यूमन की तरह ही सारे फंक्शन को कर सकती है और साइंटिफिक ऑपरेशन के अलावा ये नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि इसको स्पेस में हमारे रियल एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी भेजा जा सकता है। ये उनमें से हर एक को इंडिविजुअली पहचान सकती है और उनकी हर एक सवाल का जवाब भी दे सकती है। इसरो की तरफ से बताया गया कि ये अभी एक प्रोटोटाइप स्टेज में है और आगे चल के इसको और भी मॉडिफाई किया जाने वाला है। साथ ही चंद्रयान 3 की बात करते हुए इसरो की तरफ से बताया गया कि अभी से ही चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। कुछ महीने पहले एक अपडेट आया था कि सियाचिन में हमारे जिन जवानों को डिप्लॉय किया गया है उनके पास अभी वहां पर सर्वाइव करने के लिए सारे जरूरी साजो सामान मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे जवानों को सारे जरूरी इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। अभी एक अपडेट आया जिसके मुताबिक सियाचिन में हमारे जिन जवानों को डिप्लॉय किया जाता है उन सभी के लिए एक पर्सनल किट को दिया जाने वाला है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख से ज्यादा होने वाली है और ये उनको एक्सट्रीम कोल्ड और लो ऑक्सीजन लेवल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली है। रिसेंटली इंडियन आर्मी के चीफ MM नारावने जी सियाचिन के विजिट पर गए हुए थे और वो अभी खुद इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारे जवानों को एक्सट्रीम कोल्ड से सुरक्षित रखने के लिए स्पेशल गर्म कपड़ों की सेट को भेजा जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 28,000 रुपए है। साथ ही उनको स्पेशल स्लीपिंग बैग भी मिलने वाली है, जिनकी कीमत लगभग 13,000 रुपए है। इसके साथ ही उनको स्पेशल जैकेट और ग्लोव्स भी दिया जाएगा, जिनकी कीमत करीब 14,000 की होने वाली है, और स्पेशल जूते भी उनको मिलने वाली है, जिनकी कीमत लगभग 12,500 रुपए की है। हर एक सोल्जर को एक स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर को भी दिया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा है। अवलॉन्चेस की वजह से अभी सियाचिन जैसे इलाकों में काफी सारे जाने जा रही हैं और इससे बचने के लिए हमारे जवानों को एक स्पेशल इक्विपमेंट किट भी मिलने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम को लेके है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपने ब्लैक हॉक और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए विचार किया जा रहा है और इसके लिए अभी एक नई और फ्यूचरिस्टिक वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी सिक्रोस्की और बोइंग की SB-1 डेफिएंट और बेल की V-280 जैसे हेलीकॉप्टर को इवेलुएट करना शुरू कर दिया गया है और आगे चल के ये यूनाइटेड स्टेट आर्मी, US एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की मीडियम लिफ्ट प्लेटफॉर्म के हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने वाले हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी की तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट की वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में हमारे आर्म फोर्सेस में भी इन हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करने को लेकर विचार किया जा सके।
इंडियन आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि HAL की मल्टीरोल हेलीकॉप्टर आगे चल के हमारे MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर सकती है, पर अगर फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर को नजर में रखा जाए तो ये पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि इनकी रोटर लेआउट की वजह से इनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड ही रहने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स को लेके है। दोस्तों पिछले साल एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन आर्मी की जो सारंग आर्टिलरी गन्स है, जिनको सत्लम गन्स भी कहा जाता है, उनको इंडिजिनसली अपग्रेड किया जाने वाला था। ये गन्स पहले 130 mm की थी जबकि अभी इनको 155 mm 45 कैलिबर की स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा चुका है। इनको रिसेंटली मध्य प्रदेश की लॉन्ग प्रूफ रेंज में टेस्ट किया गया था और टेस्ट के दौरान इन गन्स की रेंज करीब 39 किलोमीटर तक पाई गई है। इन गन्स को अपग्रेड करने के लिए वाइकल फैक्ट्री जबलपुर और गन कैटरिज फैक्ट्री की तरफ से मिलकर काम किया जा रहा था, लेकिन जब इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा तो उस वक्त वाइकल फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से बस 20 से 30 गन को ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसके बाद बाकी सारे गन्स को गन कैटरिज फैक्ट्री की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन गन्स में अभी नाइट विजन सिस्टम को भी ऐड किया जा चुका है जिनकी मदद से इनको रात में भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके है। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से प्रोजेक्ट 75I के लिए दो इंडियन फर्म को सिलेक्ट कर दिया गया है। इनमें से पहला LNT है और दूसरा मजगांव डॉक लिमिटेड है जो कि पहले से ही हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बना रही है। इस टेंडर में अदानी डिफेंस और हिंदुस्तान सिपेयर लिमिटेड की तरफ से भी एक ज्वाइंट बिड को किया गया था, लेकिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से उनको इस टेंडर से बाहर कर दिया गया है। अभी LNT और मजगांव डॉक लिमिटेड इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि फॉरेन कंपनियों के साथ टाइप करके फाइनल बिड में हिस्सा लेने वाली है। अभी इस टेंडर में करीब 5 फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है जिनमें से साउथ कोरिया की DSME, फ्रेंच नेवल ग्रुप, जर्मनी की TKMS, रशिया की रोजोब्रोनो एक्सपोर्ट और फ्रांस की नवंतिया ग्रुप शामिल है। अब इन सारे सबमरीन्स में AIP सिस्टम इक्विप होके आने वाले और पूरे टेंडर को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है जिसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन फर्म के साथ इन सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी को भी शेयर करना पड़ेगा। अगला अपडेट हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से है। दोस्तों पिछले महीने मैंने आप सभी को बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया गया है जिसकी मदद से हमारे जवान अपने परिवारों के साथ संपर्क कर सके, क्योंकि आमतौर पर दुर्गम इलाकों में जिन जवानों को पोस्टिंग दी जाती है वहां पर कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं होता है जिस वजह से वो महीनों तक अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी Polnet-2.0 नाम की एक नई कम्युनिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको किसी भी दुर्गम इलाकों में ले जाके सेटअप किया जा सकता है और इसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए किसी के साथ भी संपर्क किया जा सकता है। इसमें सी बैंड और KU बैंड के फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसरो के सैटेलाइट की मदद से सीमलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसको सेटअप करना भी काफी आसान है और बस 30 मिनट के अंदर इसको सेटअप किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि इस पर वेदर का कोई भी असर नहीं होता है जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे जिन जवानों को हिमालयन रीजन में डिप्लॉय किया जाता है उनको हमेशा ही एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ता है और उसी वजह से वहां पर किसी रेगुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क को सेटअप नहीं किया जा सकता है। Polnet-2.0 को सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस ही नहीं बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में इसे डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अबाड़ी की तरफ से है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अबाड़ी की बात करें तो यहां पर इंडियन आर्मी की टैंक्स की इंजन को मैन्युफैक्चर किया जाता है और पूरे भारत में इंजन फैक्ट्री अबाड़ी इकलौता ऐसा फैक्ट्री है जहां पर फुली इंडिजिनस इंजन को बनाया जा सकता है। अभी तक हर साल इस फैक्ट्री से करीब 350 इंजन को प्रोड्यूस किया जाता था, पर अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन हरि मोहन जी ने बताया कि अब से यहां पर सालाना 750 इंजन को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और लगभग प्रोडक्शन रेट को अभी दुगना किया जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इंजन की डिमांड काफी बढ़ चुकी है और हमारे टैंक्स को फंक्शनल रखने के लिए नए इंजन की सप्लाई चेन बरकरार रहना चाहिए और खास करके इसी वजह से प्रोडक्शन रेट को अभी बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को वहां पर सेटअप किया गया है जिसकी कीमत करीब 148.4 करोड़ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।